नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। दोस्तों, लास्ट जो वीडियो बताई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि एयर कूलर्स जो है, अगर आप लेना चाहते हैं तो कौन से ऐसे एयर कूलर्स हैं, यानी कि पानी वाले कूलर्स हैं जो आप ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं एसी के बारे में डिस्कशन करूंगा कि एसी अगर आप लेने जा रहे हैं तो जाने से पहले ज़रा इन एसीज की तरफ भी देख लीजिए, जिनकी रेटिंग्स बहुत अच्छी हैं और 5 स्टार हैं, बिजली कंजम्पशन जो है वो कम है और आपके बजट में है। तो आज की जो कैटेगरी रहेगी वो अंडर 35,000 की रहेगी, कि 35,000 के नीचे हमारे पास कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं कि हम उसमें से एसी जो है वो ले सकते हैं। अब एसी दो तरीके के इस समय मिल रहे हैं, इन्वर्टर एसी और नॉर्मल एसी। तो क्या डिफरेंस होता है, क्या नहीं होता, वो सारी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, आपके लिए इंटरेस्टिंग है, और अगर कोई आसपास आपका फ्रेंड जो है एसी लेने जा रहा है तो यार प्लीज़ उसके साथ ही वीडियो शेयर करना, वीडियो को पूरा देखना, इससे कहीं ना कहीं तुम्हें सारी नॉलेज हो जाएगी। चलिए फिर शुरुआत करते हैं कि कौन से ऐसे एसी मैंने शॉर्टलिस्ट किए हैं जो आप खरीद सकते हैं इन गर्मियों में, और साथ ही साथ उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने छोड़ दिया है, आप चाहें तो डायरेक्टली वहां से भी बाय कर सकते हैं। तो चलिए पीसी पर चलते हैं। तो स्वागत है आपका फिर से आपकी चैनल पर, और बेस्ट एसी अंडर 35,000, जो 35,000 की कैटेगरी मैंने चूज की है वो इसलिए की है कि 35,000 के अंदर आपको काफ़ी हद तक बेस्ट एसी जो 2019 और 2020 में हैं वो आपको इसमें मिल जाएंगे। क्योंकि 2019 के जो एसी हैं लगभग उनमें स्लाइटली अपग्रेड्स हैं और सिर्फ उनके ईयर्स को चेंज किया गया है। जो चीज़ आपको 2019 में मिल रही थी लगभग 20 में भी आपको वही चीज़ आपको मिल रही है। और इन्वर्टर एसी ज़्यादातर मैंने सेलेक्ट किए हैं क्योंकि इन्वर्टर एसी जो होते हैं वो पावर कंजम्पशन जो होती है उनकी वो कम होती है। साथ साथ आपको एक बात का ध्यान रखना है कि एल्युमिनियम की बाइंडिंग वाला जो एसी है वो आपको नहीं लेना है, आपको हमेशा कॉपर की जो बाइंडिंग होती है उसका एसी आपने खरीदना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले एसी से। पैनासोनिक का 1.5 टन 5 स्टार वाईफाई ट्विन कूल इन्वर्टर स्प्लिट एसी जो कॉपर बाइंडिंग में है। इसके साथ सबसे बढ़िया बात यह आती है कि इसके साथ एलेक्सा जो है वो काम करती है, गूगल असिस्टेंट इसके साथ काम करती है। तो कैसे काम करती है, क्या करती है, वो आप जब आप इसको लेंगे तब आपको पता चलेगी। कमांड्स को ले लेती है ये, और कहीं ना कहीं आपकी जो ऑन करना है, टेम्परेचर सेट करना है, वो आप अपने एलेक्सा के साथ कर सकते हैं। वाईफाई स्प्लिट एसी है, वाईफाई के साथ काम करेगी। इन्वर्टर कंप्रेसर है और कहीं ना कहीं वेरिएबल स्पीड कंप्रेसर एडजस्ट पावर डिपेंडिंग ऑन द हीट लोड। यहाँ मतलब ये है कहने का, अगर 1 टन की ज़रूरत है तो 1 टन का होगा, रूम के हिसाब से अपने एडजस्ट कर लेगा, क्योंकि 5 स्टार है तो पावर कंजम्पशन यहाँ पर कम रहेगी। कहीं ना कहीं 1 साल की आपको इसमें वारंटी मिलेगी, और कहीं ना कहीं 1+4 ईयर्स की पीसीबी एंड 10 ईयर्स की कंप्रेसर के ऊपर आपको वारंटी मिलेगी पैनासोनिक की। एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि सभी जो मैं आज बता रहा हूँ आपको, उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, आप वहाँ से जाकर डायरेक्टली खरीद सकते हैं, जिससे मेरे को भी कुछ सपोर्ट हो जाएगी। कॉपर कंडेंसर कॉयल है जो कि आपकी बेटर कूलिंग देती है और लो मेंटेनेंस। कॉपर के साथ अच्छी बात यह होती है कि मेंटेनेंस जो होती है वो लो होती है। वाईफाई पावरफुल मोड, क्विक कूलिंग, ट्विन कूल इन्वर्टर, 2.5 के फिल्टर, शीट ब्लू टफ कूल्स, और कहीं ना कहीं ये बहुत ही अच्छा एसी है। अब इस एसी के बारे में और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने प्रायोरिटी पे इसको सबसे पहले इसलिए रखा है कि ये एसी के जो प्राइस है ना वो बहुत फ्लैक्चुएट होते हैं। अब मैं आज जब इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो को तो उसके 35,000 हैं, हो सकता है कल आपको 38,000 देखने को मिले, हो सकता है किसी दिन 32,000 देखने को मिले। इस एसी की जो डिमांड है वो काफ़ी हद तक काफ़ी है। तो आप अगर आप एसी लेने जा रहे हैं तो एक बार इसको लुक फॉरवर्ड कीजिएगा, चाहे आप ऑनलाइन खरीदें चाहे आप ऑफलाइन खरीदें। अगर ऑनलाइन खरीदें तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। सेकेंड एसी पे आते हैं, सैनियो के 1.5 5 स्टार ड्यूल इन्वर्टर एसी जो कि एक स्प्लिट एसी है। अब स्प्लिट एसी वही होते हैं जो दीवार पर चलते हैं, और विंडो एसी वो होते हैं जो विंडो पर चलते हैं। ये 32,990 रुपये का है। इसका ये 2019 और 2020 का जो मॉडल है वो दोनों का प्राइस यहाँ पर सेम ही है। ये भी आपका कॉपर में है, और इसके साथ वो चीज़ नहीं मिलती जो आपको पैनासोनिक में मिल रही थी, यानी कि एलेक्सा गूगल असिस्टेंट। उसका जो 1 टन का हमारा वेरियंट है पैरासोनिक वाले का, उसमें भी वो गूगल असिस्टेंट और आपको एलेक्सा मिल जाती है। लेकिन ये भी 5 स्टार एसी है, और कहीं ना कहीं जो पावर कंजम्पशन है वो भी यहाँ पर कम है। यहाँ पर 5 ईयर्स की आपको कंप्रेसर की
वारंटी मिलती है, जबकि उसके ऊपर आपको 10,000 की यह मिल रही है। तो अगर प्राइस रेंज 35,000 के आसपास है तो मैं कहूँगा कि आप उसको प्रेफर करें, लेकिन अगर आपको सैनियो के प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं तो आप एक बार इसको वॉचआउट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि जो प्राइसेस हैं वो अपर ऊपर नीचे होते रहते हैं। इसके अंदर भी आपको डस्ट फिल्टर मिलते हैं और कहीं ना कहीं सर्विस के मामले में सैनियो जो है वो काफ़ी हद तक ठीक रहता है, जो आपको ऑन साइड आपको मिलता है। 1.10 का ये है, लेकिन ये एडजस्ट नहीं करेगा, 1.5 टन का है तो 1.5 टन पर ही ये रहेगा। अब आते हैं तीसरे पे, जो कि जानी मानी ब्रांड है और वो है वोल्टास का 1.23 स्टार इन्वर्टर एसी, स्प्लिट एसी कॉपर में, जो कि ब्रांड है। देखिए मैं पर्सनली वोल्टास ही इस्तेमाल कर रहा हूँ, मेरे को 2 साल हो चुके हैं। पहली बात तो ये है कि वोल्टास की जो सर्विस है वो बहुत अच्छी है, एक कॉल पर बंदा घर पे आ जाता है और पावर कंजम्पशन भी कम है। भले ही ये 3 स्टार है या 4 स्टार है, लेकिन पावर कम जो होती है कंजम्पशन वो काफ़ी हद तक कम होती है। और इसके अंदर एलईडी डिस्प्ले मिलता है, इंटेलिजेंट स्लीप मोड मिलता है, सेल्फ डायग्नोसिस मिलता है, ऑटो रिस्टार्ट मिलता है, टाइमर मिलता है, जो कि बहुत अच्छी एक मैं कहूँगा कि काफ़ी हद तक इनकी बढ़िया है। अब इंटेलिजेंस स्लीप मोड क्या है? इंटेलिजेंस स्लीप मोड ये है कि जब आपने इसको एसी को स्लीप मोड पर डाला, इसको लगेगा जब कि बाहर का टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है, तो उस हिसाब से ये स्लीप मोड को मैनेज करेगा, जो आपको और एसी के अंदर नहीं मिलता। अब कहने की बात दोस्तों ये है कि कुछ चीज़ें आपको कुछ में मिलेंगी, कुछ में नहीं मिलेंगी। अगर आपको अपर रेंज में जाना चाहते हैं, 50,000 की रेंज में, 60,000 की रेंज में, जो कि जनरल के और बड़े बड़े एसी आते हैं, उनके अंदर आपको सब कुछ मिलेगा। लगभग लगभग फ़ोन जैसी स्थिति है, 15,000 के फ़ोन में वो कुछ नहीं मिलता जो 30,000 के फ़ोन में मिलता है। तो ये आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चलना पड़ेगा कि क्या आपकी रिक्वायरमेंट है। तो इस एसी को भी आप देख सकते हैं, ये बजट में आ जाता है, 30,000 की रेंज में है और इंस्टॉलेशन करके आपको ये काफ़ी हद तक मिलता है। अभी जितने भी इन्वर्टर एसी हैं उसमें जो आपकी वोल्टेज स्टेबलाइजर लगता है, लगाना चाहो तो लगा लो, वैसे मैं रिकमेंड यही करूँगा कि आप लगाओ, क्योंकि यार लाइट का कुछ पता नहीं होता कि लाइट किधर ऊपर नीचे जाए। स्पेसिफिकेशन सारी पढ़ लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाके देख सकते हो। ये एक नया एसी आया है, अगर आप विंडो एसी लेना चाहते हैं, क्योंकि ये काफ़ी दिनों से डिमांड में था कि विंडो में इन्वर्टर एसी नहीं आ रहे, तो एलजी 1.5 टीयर 3 स्टार इन्वर्टर एसी है जो कि विंडो में है। अगर आपकी विंडो की रिक्वायरमेंट है, और इसकी सबसे अच्छी बात मुझे लगी, प्राइस रेंज बहुत ही सॉलिड है, 28,000 रुपये में मिल रहा है 1.5 का विंडो एसी विद इन्वर्टर कंप्रेसर, इकोनॉमिकल एंड ईजी टू इंस्टॉल, इट हैज़ अ वेरिएबल स्पीड कंप्रेसर विद एडजस्ट पावर डिपेंडिंग हीट लोड। इसके साथ भी वही चीज़ है, पावर कंजम्पशन को हीट करेगा आपकी कमरे के हिसाब से, अगर 1 टन की ज़रूरत है तो 1 टन देगा, 1.5 टन की ज़रूरत है 1.5 टन देगा। मतलब ये कि ज़्यादा लोग हैं तो 1.5 टन, नहीं तो 1 टन पर रहेगा, जिससे आपकी जो पावर कंजम्पशन है वो बहुत आपकी अच्छी होने वाली है। इसका मॉडल बड़ा खूबसूरत है, आप देख ही पा रहे हो कितने ज़बरदस्त इसका मॉडल है। और कहीं ना कहीं इसके साथ आपको रिमोट तो देखो सभी के साथ मिलते हैं, लेकिन ये जो इसका रिमोट होगा काफ़ी हद तक स्मार्ट रिमोट होगा और बहुत अच्छे तरीके से ही करेगा। तो अगर आप एक स्लीक सा डिज़ाइन देखना चाह रहे हो, गो आउट फॉर दिस मॉडल। अगर आपकी विंडो एसी इन्वर्टर में आप चाहते हो, बहुत एक्सक्लूसिव है, कम है, अभी शायद एलजी ने ही बनाया है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके आप सीधा बाय कर सकते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आ जाते हैं हम लोग एक और एसी पर, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप देख सकते हैं। कैरियर का है ये, मैं एक्चुअली नाम लिखना भूल गया ऊपर। अगेन 34,000 की रेंज में आता है और कहीं ना कहीं एक इन्वर्टर कंप्रेसर के साथ आता है, 1.5 टन के साथ आता है, और इसके जो नंबर से मॉडल नंबर से वो दिए हुए हैं, और इसकी जो कंजम्पशन है वो बहुत कम है, क्योंकि कैरियर भी एक अच्छा ब्रांड है, पुराना ब्रांड है, इसी में 1,058 यूनिट ये ले रहा है जो इनके अकॉर्डिंग आ रहे हैं। मैं 1,500 मान के चलता हूँ कि अगर आप कंसिस्टेंट बेसिस पे, क्योंकि हमारे यहाँ जो एसी स्टार्ट हो जाते हैं वो अप्रैल से स्टार्ट होते हैं और कहीं ना कहीं सितंबर तक चलते हैं, तो कहीं ना कहीं 1,500 के करीब यूनिट्स जो होती हैं वो लग जाती हैं। ये जो कैरियर का एसी है ये कहीं ना कहीं पावर कंजम्पशन कम करता है और बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको कूलिंग देता है। तो ये कुछ 4 या 5 मेरी तरफ से कुछ रिकमेंडेशन थे आपको। मैं अगर इस समय खरीदूं तो मैं या तो ये वाला खरीदूंगा LG 1.5, क्योंकि ये सस्ता है, अच्छा है, रिक्वायरमेंट्स को पूरी कर रहा है, स्लीक है डिज़ाइन में,
मैं अगर अपनी पर्सनल चॉइस बताऊं तो मेरी पहली चॉइस ये होगी और सेकंड चॉइस जो होगी वो ये होगी पैरासोनिक का 1.5 का ये, क्योंकि इसके अंदर आपको स्मार्ट चीज़ें मिल रही हैं, गूगल असिस्टेंट मिल जा रहा है, तो आप कंट्रोल रिमोट से कर सकते हो। क्योंकि आप देख पा रहे होगे कि मेरा जो स्टिक है अमेज़न फायर स्टिक, वो इसके साथ ऑटोमेटिकली दिखा रहा है कि यहाँ पर ये वर्क करेगा। तो अगर मैं खरीदूंगा तो मैं ये दो खरीदूंगा, अगर मुझे स्प्लिट एसी लेना है तो मैं ये लूंगा, और अगर मुझे विंडो एसी लेना है तो मैं ये लूंगा। आपकी क्या राय है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, और कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा। अब नेक्स्ट जो हमारा सेगमेंट रहेगा उसमें हम लोग बात करेंगे वॉशिंग मशीन्स की, बात करेंगे फ़ोन्स की, हम बात करेंगे छोटी छोटी चीज़ों की जिसके बारे में वीडियोस लोग कम बनाते हैं लेकिन लोग सर्च करते हैं। कमेंट करिएगा और किस पे आप वीडियो देखना चाहते हैं ये भी मुझे बताइएगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।